कंप्यूटर ओके हो रहा स्टार्ट। मुझे करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं कर देता हूँ और जिग्नेश भाई को भी बोल देता हूँ कि वो अपने वहाँ भी कर देंगे। ठीक है। या मैम या फिर पिनल भाई हॉल सेट से ना। पिनल भाई हाँ हाँ पीयूष भाई ओके है ना? हॉल सेट ना? हाँ कंप्लीट। ओके ओके गुड। अने महेश भाई જ્યારે તમે મહેશ ભાઈ જ્યારે તમે બોલો ને તો થોડું હોલ્ડ કરીને બોલજો। ઓકે 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 કેમ કે આમાં છે ને સાઉન્ડ થોડો થોડી વાર રહીને જાય આવે છે। હા ઓકે ઓકે યા થેન્ક યુ।
Yes, you can start. Please unmute to yourself, all of them, please. Hello, please unmute yourself. Webinar will be start. Yes. Welcome to all the participation, Special Olympics Bharat and Special Olympics Gujarat. With will organize a handball online training program. Special Olympics Gujarat की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं. ये तीन दिवसीय online training program में तीन दिन हम हैंडबॉल के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम जानेंगे हमारे रिसोर्सेज से. हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि वो कौन है और क्या उनका डेजिग्नेशन और वर्कआउट क्या है. आज के हमारे जो मेन रिसोर्स पर्सन है वो मनीष बी चावड़ा है. वो लास्ट 15 ईयर से स्पेशल ओलंपिक के साथ जुड़े हुए हैं एंड स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के वो जीएनडी मैनेजर हैं एंड लास्ट ईयर 2019 में जो अबू धाबी में वर्ल्ड समर गेम हुआ था उसमें भी वो एज ए कोच जाके आए हैं. ऐसे हमारे पास बहुत ही और उन्होंने पीजीडीएसओ भी कंप्लीटेड किया हुआ है तो उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो हैंडबॉल के ही कोच हैं बेसिकली. तो सब गेम उनको आती है बट उनका जो स्पेशलाइजेशन हैंडबॉल में है. तो ऐसे हमारे रिसोर्सेज का मैं वेलकम करता हूँ. वेलकम टू सर.
दूसरे हमारे हैं वो पीनल भाई गोस्वामी, वो भी स्पेशल ओलंपिक के साथ करीबन लास्ट 10 ईयर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने PGDSO भी कंप्लीटेड किया हुआ है, उनकी भी स्पेशलाइजेशन हैंडबॉल ही है। एंड एज वेल एज वो अभी गुजरात की जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें स्पेशल एजुकेटर है। गुजरात की बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव दातीवाड़ा, जो बॉर्डर और इंटीरियर बोले जाते हैं, वहां पर वो कोचिंग वगैरह देते हैं एंड नेशनल ट्रेनर भी है वो हमारे। तो ऐसे भी मैं रिसोर्स का वेलकम करता हूँ। और आज हमारे साथ एक कोच भी जुड़े हुए हैं, महेश भी परमार, वो भी स्पेशल ओलंपिक के साथ लास्ट 10 ईयर से जुड़े हैं और उन्होंने भी PGDSO कंप्लीट किया है। ऐसे हमारे कोच हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिग्नेश भाई ठक्कर, जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के ट्रस्टी हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो ओपनिंग रिमार्क दे। मे आई रिक्वेस्ट टू जिग्नेश भाई ठक्कर सर। नमस्कार। स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात भारत की तरफ से आज जो 3 दिन का हैंडबॉल का ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, उसमें जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। हैंडबॉल गेम जो है वो नॉर्मल खिलाड़ियों जिस तरह से खेलते हैं, वैसे ही हमारे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम में होता है, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है बेसिक लेवल से इंडिविजुअल स्किल से शुरू होती है और वही बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सभी को ये बताया जाएगा कि कोचिंग क्या है, हैंडबॉल के स्किल्स कौन से हैं, किस तरह के ग्राउंड्स होते हैं और कैसे उनका मार्किंग होता है और किस तरह से प्लेयर्स को हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो आज स्पेशल ओलंपिक्स के द्वारा कंटिन्यूज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए हैं और हम लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कोचिंग कैंप कराते हैं, कोचिस ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, एथलीट्स के ट्रेनिंग के कैंप होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होती है। तो आप सब लोग इसमें जुड़े, ज्ञान बढ़ाए इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाए। स्पेशल ओलंपिक का मिशन है कि ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से हमारे स्पेशल ओलंपिक के मिशन को कोई आंच नहीं आए, उसी की वजह से स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात भारत के द्वारा सतत ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और जो जो एक्टिव टीचर्स है वो अपने एथलीट्स के कांटेक्ट में है और वो उनको भी ये सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं, जो देखते हुए हमें बहुत आनंद आता है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दरमियान भी हमारे स्पेशल एथलीट्स अच्छे से खुद को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स से फिजिकल फिटनेस मिलती है, फिटनेस की वजह से कोरोना आने के चांसेस नहीं है, तो हमारा फोकस फिटनेस पे होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे प्लेयर्स कोई भी गेम में भी आगे बढ़े उस तरह के का प्लानिंग करना चाहिए। और आज मैं मानता हूँ तब तक 125 से भी ज़्यादा कोचिज इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, तो उन सभी को हमारा एक ही हमारी एक ही भावना रहेगी कि आप लोग हैंडबॉल के कैंप से जो जो
टीचिंग सीखते हैं, टीचिंग लेते हैं, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स टेक्टिक्स आपको सिखाया जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को सिखाओ ताकि वो लोग उसका बेनिफिट ले सके। इसके साथ साथ मैं जानता हूं तब तक बहुत सारे टीचर्स के साथ दूसरे टीचर्स भी जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ भी ये सारी चीजें शेयर करेंगे तो हम लोग हमारे गांव गांव तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी भावना है स्पेशल ओलंपिक का जो मिशन है उसे लोगों तक पहुंचाना, और स्पेशल ओलंपिक्स हैंडबॉल कोचिंग कैंप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग जुड़े हो उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आप लोग इसे और लोकल लेवल तक ले जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जिससे हमारे एथलीट्स को बेनिफिट मिले। और आगे मैं हमारे जो एक्सपर्ट्स है मनीष भाई, उनसे विनती करूंगा कि वो हैंडबॉल के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग दे। ओवर टू मनीष भाई चावड़ा। हेलो हेलो मनीष भाई संभाई छे। हेलो 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 संभाई छे मनीष भाई। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर आपकी। हेलो हेलो हाँ मनीष भाई संभाई छे। हेलो हाँ मनीष भाई बोलो। मैं आगे की लेक्चर के लिए पीनल भाई से विनती करता हूँ कि वो कैरी ऑन करें, तब तक हम उनके जो टेक्निकल इश्यू है वो हम बात करें। तो मैं पीनल भाई से विनती करता हूँ कि वो सेशन आगे का कैरी ऑन करें। पीनल भाई जी। पीयूष भाई थैंक यू। पीयूष भाई मैं पहले हैंडबॉल के बारे में आपको थोड़ा उसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये हैंडबॉल खेल विश्व के नवीनतम खेलों में से एक है, और इस खेल का जन्मदाता जर्मनी को माना जाता है। जो प्रसिद्ध जिम्नास्टर कानर कोता था उन्होंने इस खेल को जन्म दिया था। उन दिनों पे ये खेल एथलेटिक्स के खेलों में शामिल किया जाता था, और सन 1928 में एम्स्टर्डम्स ओलंपिक्स खेलों ने इसे प्रदर्शन के लिए शामिल किया था। इस खेल ने ओलंपिक खेल में ऐसी धूम मचाई थी कि सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल में इसको शामिल किया गया था। और हमारे भारत में इस खेल को आए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, और ये खेल सन 1970 से खेला जाने लगा और आज तक ये खेला जाता है। और ये इतना मशहूर है कि हमारे यहाँ मेल और फीमेल पुरुष और स्त्री दोनों में ये खेला जाता है। दोस्तों हैंडबॉल फास्टेस्ट गेमों में से एक मानी जाती है। तो पीयूष भाई से मैं कहूँगा कि नेक्स्ट जरा स्लाइड कीजिए।
ये खेल के हैंडबॉल का पहले जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग बॉल होता है और जो उसका डायग्राम होता है मेल के लिए वो 58-60 सेंटीमीटर होता है और जो मेल के लिए जो हैंडबॉल यूज होता है उसका वेट होता है वजन होता है वो 425 ग्राम से 475 ग्राम का होता है। वैसे ही फीमेल के लिए जो यूज होता है बॉल वो उसका जो डायग्राम होता है वो 54 से 56 सेंटीमीटर होता है और उसका वेट होता है 325 ग्राम से 375 ग्राम तक का होता है। हैंडबॉल के ग्राउंड का हम मेजरमेंट देख ले तो दोस्तों हमारे हैंडबॉल का पूरे ग्राउंड का मेजरमेंट उसकी लंबाई होती है 40 मीटर और उसकी चौड़ाई होती है 20 मीटर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैदान के 20 मीटर पे उसकी सेंटर लाइन होती है और दो हिस्सों में वो बढ़ जाता है जहां दोनों तरफ टीम के अपने अपने एरिया होते हैं। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सेंटर वो दो हाफ सर्कल दो बनाए हुए हैं तो एक सर्कल होता है जो पहला जो 6 मीटर का होता है और दूसरा होता है वो 9 मीटर का होता है। और गोल पोस्ट की बात की जाए तो गोल पोस्ट का एरिया की लंबाई होती है 2 मीटर और चौड़ाई होती है 3 मीटर जहाँ पे वो गोली खड़ा रहता है। अगर हमको जो हाफ सर्कल बनाने हैं तो वो हमको गोल पोस्ट से वहाँ से उसको लेकर पहला जो 6 मीटर जहाँ पे आता है वहाँ से एक हाफ सर्कल बनाना होता है और दूसरा होता है जो 9 मीटर से दूसरा हाफ सर्कल बनाना होता है। जो 6 मीटर के अंदर का एरिया होता है वो गोली के लिए होता है जिसके बाहर से हर एथलीट को वो थ्रो करना होता है। नेक्स्ट प्लीज। बॉल का आकार तो दोस्तों अभी आप हमने बॉल का जो उसका डायग्राम और वेट होता है वो हमने दिखा दिया आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि मेल के लिए उसका कितना वेट और वो होता है सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल के बारे में। मैं सबको एक सवाल करना चाहूँगा, अगर किसी को पता है कि हमारी स्किल कितने टाइप की होती है, अगर किसी को पता है तो वो चैट बॉक्स में लिख के वो आंसर दे सकते हैं कि हैंडबॉल की स्किल कितने टाइप की होती है। अगर किसी को पता है तो वो लिख के अपना आंसर दे सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाइन टाइम एक भाई ने आंसर दिया है, 9 टाइप की, 3 टाइप, 7 टाइप, 8 टाइप। कितने टाइप की और कितनी स्किल, तो मैं अभी कितने टाइप की पूछ रहा हूँ। ठीक है, काफी लोगों के आंसर अभी सही आ रहे हैं। हमारे हैंडबॉल में दो टाइप की स्किल होती है, एक इंडिविजुअल और टीम स्किल। इंडिविजुअल में अलग अलग स्किल होती है और टीम में भी अलग अलग होती है। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल स्किल की। तो हमारी इंडिविजुअल स्किल में ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 3 स्क्रीन है, एक टारगेट पास, 10 मीटर ड्रिबल और शूट। तो टारगेट पास की हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे टारगेट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये टारगेट पास स्क्रीन का जो हम तैयार करते हैं उस स्किल के लिए ग्राउंड, उसका मेजरमेंट है। सामने आप देख रहे हो एक दीवाल है और दीवाल पे एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जमीन की सतह से 1 मीटर ऊपर हमको 1 बाय 1 मीटर का एक चौरस बनाना होता है और वही दीवाल से 2 मीटर दूर एथलेट एरिया के लिए
आप देख सकते हैं नीचे 2 मीटर दूर 3x3 का एक बॉक्स बनाया हुआ है जहाँ पे एथलेट की पोजीशन होती है। ये 3x3 मीटर के बॉक्स में एथलीट खड़ा रहेगा और उसको सामने जो दीवार पे बने 1x1 मीटर का जो बॉक्स बना हुआ है उसमें बॉल थ्रो करना है और पकड़ना होता है। तो ये आप अभी जो बॉक्स देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर का एरिया है। अगर एथलीट वहाँ पे बॉल फेंकता है और बॉक्स के अंदर के एरिया में टच होता है और बॉल पकड़ता है तो एथलीट को 3 पॉइंट दिए जाएंगे। और एथलीट बॉल फेंकता है और ये जो बॉक्स की जो लाइन है ब्लैक कलर की, अगर लाइन पे कहीं पे टच होता है तो एथलीट को 2 पॉइंट दिए जाएंगे। और अगर एथलीट बॉल फेंकता है और बॉक्स के बाहर लाइन को भी टच ना करे और बाहर टच होता है कहीं भी एरिया पे तो उसको एथलीट को 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर एथलीट अपनी जगह से बॉल फेंकता है और दीवार को टच ही नहीं होता तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, उसको 0 मिलेगा। और एक बात कि अगर 3x3 मीटर के एरिया में एथलीट खड़े रह के बॉल फेंकेगा और बॉक्स के अंदर बॉल टच होके अगर एथलीट डायरेक्ट कैच कर लेता है तो एथलीट को उसका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो कि बॉक्स के अंदर के 3 पॉइंट तो उसको मिलने वाले हैं और अगर डायरेक्ट कैच कर लेता है तो उसका 1 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एथलीट का एरिया कौन सा है, पास में ऑफिशियल कहाँ पे खड़ा रहेगा, वॉलेंटियर भी होता है अगर बॉल कहीं पे छूट जाए या उसके एथलीट को हेल्प के लिए वॉलेंटियर होता है, स्कोरर होता है, बेंच मैनेजर, सबकी अपनी अपनी पोजिशन होती है, उसी हिसाब से सबको खड़ा रहना होता है। दोस्तों हैंडबॉल में कोई भी गेम हो, चाहे बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल, फुटबॉल हो, सबसे पहले एथलीट को या कोई भी प्लेयर को सबसे पहले बॉल से दोस्ती करनी पड़ती है। जब तक वो बॉल हाथ में नहीं संभाल पाएगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये स्किल करने से एथलीट की कैच करने की जो क्षमता है वो बहुत इम्प्रूव होती है और साथ में वो बॉल पास करने के लिए भी उसको वो उसका स्किल बहुत ही इम्प्रूव होती है। ये स्किल आप हमारे सब जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट हो, नेशनल हो, सब जगह पे ये सेम मेजरमेंट के साथ ये स्किल होती है। और अगर हमको हमारे एथलीट हमारे घर के आसपास हो, स्कूल के एथलीट हो, हमारे तहसील के डिस्ट्रिक्ट के, अगर हमको कोचिंग देनी है, ट्रेनिंग करानी है तो ये स्किल आप कहीं पे भी करवा सकते हो। बस एक फ्लैट दीवार होनी चाहिए और थोड़ा एरिया होना चाहिए। आप घर के आसपास भी करवा सकते हो, आप स्कूल में भी कहीं ग्राउंड हो, बड़ी दीवार हो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करवा सकते हो और उसको ये प्रैक्टिस करवा के ये स्किल उसकी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये स्किल हम कैसे प्रॉपरली हमारे एथलीट करते हैं, मैं पीयूष भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक ये स्किल का एक वीडियो दिखाए और आप देखिए। पीयूष भाई दोस्तों, ये हमारी हैंडबॉल की एक स्किल है टारगेट पास। तो आप देख सकते हैं कि सामने दीवार पे एक बॉक्स बनाया हुआ है और यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ 3x3 का एक एरिया बनाया गया हुआ है जो एथलीट के लिए है। तो ये टारगेट पास स्किल में पॉइंट वो वगैरह कैसे होते हैं, कैसे करते ये हम दिखाएंगे। पहले हम ये उसके पॉइंट समझ लेते, तो आइए मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। दोस्तों ये दीवार पे 1x1 मीटर का एक बॉक्स बनाया गया है और दीवार से 2 मीटर दूर एक 3x3 का एक एरिया बनाया है जहाँ पे एथलीट खड़ा रहेगा और वहाँ से उसको 5 बार बॉल फेंकने को ट्राई दिया जाएगा। एथलीट को वहाँ पे खड़े रह के ये बॉक्स में बॉल फेंकना है और कैच करना है। दोस्तों ये जो आपको एरिया दिख रहा है उसके अंदर अगर एथलीट बॉल फेंकता है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे।
अगर एथलीट बॉल फेंकता है और बॉल लाइन पे टच होता है, कहीं पे भी लाइन पे टच होता है, तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। और अगर एथलीट बॉल फेंकता है और ये बॉक्स के बाहर कहीं भी टच होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या नीचे, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर एथलीट वहाँ से बॉल फेंकता है, यहाँ टच होकर डायरेक्ट कैच करता है, तो उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर एथलीट बॉल फेंकता है जो दीवार को टच नहीं होता, कूद जाता है, तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो पहले हमारे जो कोच है मेहुल भाई जोशी, वो पहले हमको ये स्किल का डेमो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम हमारे स्पेशल एथलीट तनवीर के साथ ये डेमो करके आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे जो कोच है मेहुल भाई जोशी, वो आपको टारगेट पास स्किल का पहले डेमो कराएंगे, फिर वो दिखाएंगे कि ये स्किल टारगेट पास कैसे कर सकते हैं। मेहुल भाई रेडी? रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। जैसा भी आपने देखा कि मेहुल भाई ने पांचों के पांचों बॉल बॉक्स के अंदर डाले, अब हम हमारे स्पेशल एथलीट को बुलाएंगे और उससे ये लाइव डेमो कराएंगे। दोस्तों, हमारे साथ हमारा स्पेशल एथलीट तनवीर खड़ा है, जो आपको ये टारगेट पास का डेमो करके दिखाएगा कि टारगेट पास स्किल प्रॉपरली कैसे करते हैं। और तनवीर रेडी, स्टार्ट। 5। तो आपने देखा कि दोस्तों, हमारे स्पेशल एथलीट तनवीर ने ये टारगेट पास स्किल कैसे की जा सकती है, तो उसने ये लाइव डेमो हमको करके दिखाया। तो हम स्पेशली थैंक्स कहेंगे हमारे स्पेशल एथलीट को कि उसने हमको ये स्किल का डेमो करके दिखाया, और थैंक यू हमारे कोच मेहुल भाई जोशी एंड महेश भाई का कि हमारे साथ रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि टारगेट पास में एथलीट को अपने 3x3 मीटर के एरिया में खड़े रह के 5 बार वो सामने वाले बॉक्स में बॉल फेंक के कैच करना होता है, और उसी हिसाब से वो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के लाइन पे या बाहर फेंकता है, उसी हिसाब से जो स्कोरर ऑफिशियल होते हैं वो उसका पॉइंट नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। फिर से एक बार आपको बता दूं कि इसका जो मेजरमेंट का डायग्राम होता है, वो जमीन की सतह से 1 मीटर ऊपर 1x1 का चौरस बनाना है, और दीवार से दूर 2 मीटर दूर एक एथलीट के एरिया के लिए 3x3 मीटर का एक बॉक्स बनाना होता है, जो एथलीट के खड़े रहने के लिए वो होता है। और एक बात कि एथलीट जब 5 बार बॉल फेंकता है, तो वो लाइन उसको क्रॉस नहीं करनी है, वो बॉल फेंकने के बाद उस लाइन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन बॉल फेंकते पहले अगर जो वो लाइन को टच कर जाता है या क्रॉस कर जाता है, तो वो फाउल गिना जाएगा और वो काउंट में नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट पीयूष भाई। इस स्किल का उद्देश्य है कि अभी बताया कि खिलाड़ी की कैच पकड़ने की क्षमता नापने के लिए होता है, और उसके जो साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, हैंडबॉल टेप, आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास वो पट्टी हो, कलरिंग पट्टी हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा कि हैंडबॉल की ये स्किल के लिए हर बार ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं भी ये स्किल करवा सकते हो। मान लो कि अभी लॉकडाउन है, या आपके पास ग्राउंड थोड़ा दूर है, तो आप अपने घर के आसपास भी करा सकते हो। स्पष्टीकरण, खिलाड़ी को दीवार से 2 मीटर दूर 3 मीटर के बॉक्स में खड़ा रहना है, और खिलाड़ी को बॉक्स में खड़े रहकर दीवार पर बने बॉक्स में गेंद फेंककर पकड़ना होगा। तो अभी जो आपको वीडियो में दिखाया और समझाया, उसी तरह एथलीट को वहां पे खड़े रहकर सामने वाले बने बॉक्स में 5 बार बॉक्स बॉल फेंकना है और उसको कैच करना है। नेक्स्ट पेज पे। अभी स्कोरिंग की बात है, तो आपको बताया जैसे कि एथलीट को बॉक्स में खड़ा रखना है, आपको हैंडबॉल को 5 बार फेंकना होगा, एथलीट को 5 ट्रायल देने हैं। अगर एथलीट बॉक्स में गेंद फेंकता है, तो 3 अंक देने हैं, यदि गेंद लाइन पर लगती है तो 2 अंक, और वो बॉक्स के बाहर अगर वो टकराती है, तो उसको 1 अंक देना है।
और एथलीट बॉक्स में बॉल फेंक कर डायरेक्ट पकड़ता है तो उसको एक अंक अतिरिक्त एक्स्ट्रा दे, और अगर एथलीट गेंद पकड़ता ही नहीं तो उसको शून्य अंक मिलेगा। नेक्स्ट हमारी दूसरी स्किल है 10 मीटर ड्रिबल। दोस्तों ये हैंडबॉल की 10 मीटर ड्रिबल और बास्केटबॉल की 10 मीटर ड्रिबल दोनों समान तरह सेम है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो 10 मीटर ड्रिबल का ग्राउंड का मैं उसको मेजरमेंट आपको दिखा दूँ कि जो हमको 10 मीटर ड्रिल अगर करवानी है तो एक 10 मीटर लंबी लाइन और उसकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, हमको एक ऐसा एरिया तैयार करना होगा जिसमें ये स्किल हमको कंप्लीट करानी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक एरिया बनाया है जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है। एक साइड स्टार्टिंग लाइन है, दूसरी साइड फिनिशिंग लाइन है, और ये एरिया के दोनों तरफ एक एक मीटर में एक एक वॉलेंटियर के लिए पोजीशन बनाई है, और वो वॉलेंटियर बॉल के साथ खड़े रहते हैं जो एथलीट को हेल्प करने के लिए। अगर एथलीट के हाथ में से बॉल छूट जाती है, बाहर जाती है, तो उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो वॉलेंटियर तुरंत उसको बॉल देने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन पे आप एथलीट की पोजीशन देख सकते हैं, और उसके पास में ऑफिशियल होगा और टाइम स्कोरर वॉलेंटियर सबकी पोजीशन यहाँ पे होती है। ये स्किल में हमको ये कराना होता है कि ऑफिशियल एक तरफ से एथलीट को स्टार्ट देगा, वो जैसे एथलीट को स्टार्ट देगा तो एथलीट बॉल ड्रिबल करके दौड़ना स्टार्ट करेगा, और सामने फिनिशिंग लाइन है तब तक वो वहाँ तक वो ड्रिबल करता रहेगा, और फिनिशिंग लाइन के बाहर जाके वो बॉल पकड़ के खड़ा रह जाएगा। ये स्किल में दोस्तों टाइम नोट किया जाता है, एथलीट जब स्टार्ट करता है और फिनिश करता है तब तक स्टॉप वॉच चालू रहती है, उसका टाइमिंग हमको लेना है, और जब तक एथलीट बॉल पकड़ के खड़ा नहीं रहता तब तक वो टाइमिंग चालू रहेगी, और जैसे ही वो बॉल पकड़ के खड़ा रहता है तो वहाँ पे टाइमिंग स्टॉप हो जाती है, और हमको वो टाइमिंग नोट करना होता है। और अगर एथलीट मान लो ड्रिबल करते करते जा रहा है और उसके हाथ में से बॉल छूट जाता है और ये एरिया के बाहर चला जाता है, लाइन के बाहर चला जाता है, तो टोटल टाइमिंग केस टाइमिंग में उसको 1 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ानी होती है, कि मान लो कि उसने 10 सेकंड में कंप्लीट किया और एक बार बॉल छूट गया और लाइन के बाहर चला गया तो 1 सेकंड उसको एक्स्ट्रा बढ़ानी है, कि मान लो 10 की जगह 11 हो जाएगी। तो ये स्किल का हम पहले लाइव वीडियो में डेमो देख लेते हैं फिर देखते हैं। तो पीयूष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो दिखाए प्लीज। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी हैंडबॉल की एक स्किल हमारी 10 मीटर ड्रिबल, जिसका हमने स्किल टेस्ट के लिए जो तैयार किया है ग्राउंड, तो आप देख सकते हैं कि 10 मीटर ड्रिबल स्किल की जो हम मेजरमेंट तैयार किए उसकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर और इसकी लंबाई होती है 10 मीटर। तो हमें हमारे एथलीट से सिर्फ यही एरिया में हमको ये स्किल कंप्लीट करवानी होती है। आप ये स्किल टेस्ट का ग्राउंड तैयार करने के लिए आप कौन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना हो या फिर आपके पास कोई मार्किंग हो, पट्टी हो, स्टिक हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मीटर ड्रिबल का पहले एक डेमो करके हमारे कोच श्री मेहुल भाई जोशी पहले एक डेमो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम हमारे स्पेशल एथलीट के साथ ये 10 मीटर ड्रिबल का एक डेमो दिखाएंगे लाइव। मेहुल भाई को स्टार्ट दूंगा और मेहुल भाई ये 10 मीटर ड्रिबल को स्टार्ट करेंगे। मेहुल भाई रेडी? अब 10 मीटर ड्रिबल का लाइव डेमो हमारा स्पेशल एथलीट है हमारे साथ तनवीर, वो हमको 10 मीटर ड्रिबल कैसे प्रॉपरली करते हैं वो हमको करके दिखाएंगे। मैं तनवीर को स्टार्ट दूंगा, जैसे ही मैं उसको स्टार्ट दूंगा तो वो वहां से ड्रिबल करना स्टार्ट करेगा और यहां पे फिनिशिंग लाइन के बाहर आके वो बॉल को पकड़ के खड़ा रह जाएगा। तनवीर रेडी?
स्टार्ट। तो आपने अभी देखा 10 मीटर डिबल का डेमो हमारे एथलीट ने करके दिखाया। आपने अभी देखा कि हमने ये स्किल का जो ग्राउंड तैयार किया था बास्केटबॉल के ग्राउंड में। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बहुत ही रूरल एरिया में काम करते हैं जहां हर जगह ग्राउंड अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपको कहीं पे भी फ्लैट सरफेस मिल जाए जहां पे आप ये स्किल करवा सकते और अपने एथलीट को प्रैक्टिस करवा सकते, तो इसमें एथलीट को स्टार्ट देने के बाद वो टाइमिंग होता है वो नोट किया जाता है। तो फिर टाइमिंग नोट करने के बाद उसको वो पॉइंट कैसे दिया जाता है वो इसी चार्ट में है। तो नेक्स्ट पीयूष भाई, तो मान लो कि एथलीट ने स्टार्ट और फिनिश 5 से 10 सेकंड के अंदर कर दिया, तो आप उसके सामने उसके पॉइंट देख सकते हैं कि अगर वो 5 से 10 सेकंड में वो अपना 10 मीटर डिबल कंप्लीट करता है तो उसको 60-60 पॉइंट मिलेंगे। 11 से 15 में करता है तो 55 पॉइंट, 16 से 20 सेकंड में करता है तो 50 पॉइंट, 21 से 25 में 45 पॉइंट। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो वैसे उसकी टाइमिंग के हिसाब से उसमें देख के हमको पॉइंट देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 55 सेकंड और उससे अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो लास्ट में उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। बस उससे ज़्यादा अगर वो 1 मिनट में करता है 2 मिनट में करता है लेकिन वो 10 पॉइंट ही लास्ट में उसको मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे, ये स्किल का मेन उद्देश्य है कि एथलीट की ड्रिबलिंग को, ड्रिबलिंग की स्पीड को नापना और उसकी ये स्किल को इम्प्रूव करना, जिसके लिए उपकरण हैंडबॉल टैप, कॉर्न स्टॉप वॉच वो सब आपके पास जो अवेलेबल हो आप टेम्पररी कर सकते हैं। उसको खिलाड़ी को शुरुआती लाइन के पीछे रखा जाएगा, सीटी बजाने के बाद ड्रिबल करना शुरू कर देगा। खिलाड़ी को एक हाथ से ड्रिबल करना होगा और 10 मीटर ड्रिबल के समाप्त होने के बाद गेंद को पकड़ना खड़ा होगा। जैसे ही एथलीट को ऑफिशियल विसल से स्टार्ट देंगे तो एथलीट वो स्टार्ट कर देगा और तभी वो उसका टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और वो फिनिश करता है तब तक का उसका टाइमिंग लिया जाएगा और वो टाइमिंग नोट करके उसको वो पॉइंट देके उसका वो डिविजनिंग वगैरह प्रोसेस होगी। नेक्स्ट पीयूष भाई, इसका ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके स्कोरिंग के बारे में जो अभी आपको बताया कि 10 मीटर ड्रिबल में स्कोरिंग में के नियम है ये। ड्रिबलिंग टेस्ट में ड्रिबल को स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पूरा करना होता है। ड्रिबलिंग समाप्त होने के बाद एथलीट को गेंद पकड़ना होगा। अगर एथलीट के हाथ से गेंद बाहर गिरती है तो एथलीट के कुल समय में 1 सेकंड बढ़ जाएगी। मैंने अभी बताया कि अगर एथलीट 10 मीटर ड्रिबल करता है और उसके हाथ में से जो बॉल छूट जाता है तो उसकी टाइमिंग में 1 सेकंड बढ़ाई जाती है और समय आने पर एथलीट को अंक से सम्मानित करना होगा। उसका जो टाइमिंग नोट किया जाता है उसके हिसाब से उसको पॉइंट देना पड़ता है। हमारी इंडिविजुअल स्किल में ये हमारी तीसरी स्किल नेक्स्ट है शूट, जो इंडिविजुअल स्किल की ये आखिरी स्किल है। ये स्किल में उसका जो स्किल का जो ग्राउंड का मेजरमेंट है वो नेक्स्ट पीयूष भाई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये सामने जो ऊपर की ओर ये गोल पोस्ट का एरिया है और गोल पोस्ट के सामने ग्राउंड पे दो हाफ सर्कल बनाए हुआ है। पहला सर्कल है 6 मीटर का और दूसरा जो सर्कल है वो 9 मीटर पे बनाया गया हुआ है। ये स्किल में ऐसा होता है कि एथलीट को 6 मीटर और 9 मीटर दोनों लाइन पे से 3-3 ट्राई बॉल फेंकने को उसको दिया जाता है। आप गोल पोस्ट देख सकते हैं तो गोल पोस्ट के 3 हिस्से किए गए हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वैसे गोल पोस्ट की जो लंबाई होती है वो 3 मीटर होती है, तो 1-1 मीटर के हिसाब से उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पॉइंट भी लिखे हुए हैं। अगर गोल पोस्ट के जो लेफ्ट और राइट दोनों एरिया में एथलीट बॉल फेंकता है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं और गोल पोस्ट के वो सेंटर वाले हिस्से में जो अगर वो बॉल फेंकता है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। और वहाँ दोनों 6 मीटर और 9 मीटर दोनों जगह से उसको 3-3 बार
ट्राई करना होता है। अगर एथलीट बॉल फेंकता है डायरेक्ट गोल पोस्ट के एरिया में चली जाती है तो वो वैलिड है, डायरेक्ट वो फेंक सकता है। एथलीट वन बाउंस भी बॉल फेंक सकता है, अगर एथलीट बॉल फेंकता है और वन बाउंस होके फिर गोल पोस्ट के एरिया में जाती है तो उसको पॉइंट मिलते हैं। और अगर एक बाउंस से ज़्यादा, दो बाउंस तीन बाउंस वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वैलिड नहीं है, वो पॉइंट उसमें गिने नहीं जाएंगे, वो फाउल होगी। आप देख सकते हैं कि स्कोरर का पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे, बेंच मैनेजर कहाँ पे, एथलीट की पोजीशन, वो यहाँ पे ऑफिशियल कहाँ पे खड़ा रहेगा, वॉलेंटियर, वो सब यहाँ पे पोजीशन दिखे। पहले हम इस स्किल का एक वीडियो में डेमो देख लेते हैं कि ये कैसे की जा सकती है। तो पीयूष भाई, रिक्वेस्ट टू प्लीज वीडियो दिखाइए। स्किल में से एक स्किल है जिसका नाम है शूट। तो आप देख सकते हैं कि ये हैंडबॉल का गोल पोस्ट है जिसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। तीन मीटर का गोल पोस्ट हमको एक एक मीटर के तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। बीच में आप डोरी, रिबिन या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पे सामने, जैसे कि हैंडबॉल के ग्राउंड में होता है, एक 6 मीटर का सर्कल और दूसरा 9 मीटर का सर्कल, दो सर्कल हमको बनाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस कराते हैं तो आप दो लाइन भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली है 6 मीटर की लाइन और ये हमारी दूसरी है 9 मीटर की लाइन। ये स्किल में हमको एथलीट को पहले 6 मीटर की लाइन से तीन थ्रो करवाने हैं और दूसरी 9 मीटर की लाइन से तीन थ्रो करवाने हैं। ये हमारा गोल पोस्ट है, हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर एथलीट वहाँ से बॉल फेंकता है और ये लेफ्ट और राइट वाले हिस्से में बॉल गिरता है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर एथलीट वहाँ से बॉल फेंकता है और ये गोल पोस्ट के सेंटर वाले हिस्से में गिरता है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। स्टार्ट। अभी हमारे साथ हमारे कोच है चिराग भाई मोदी, जो हमको पहले इसका एक डेमो करके दिखाएंगे। थे हमारा एथलीट आर्यन, जो हमको लाइव डेमो करके उसके बाद दिखाएगा। तो आपने देखा कि पहले हमारे कोच चिराग भाई ने यहाँ पे शूट स्किल का डेमो करके दिखाया, उसके बाद हमारे एथलीट आर्यन ने भी तीन बॉल 6 मीटर से और तीन बॉल 9 मीटर से फेंक के ये स्किल का लाइव डेमो हमको दिखाया। तो अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि हमारे शूट स्किल में जो हमने वो गोल पोस्ट एरिया को तीन हिस्सों में डिवाइड करा था और सामने से एथलीट को वहाँ पे थ्रो करना था। दोस्तों, हम ये गोल पोस्ट को डिवाइड करने के लिए हम रिबिन होती है, दोरी होती है, वो जो भी अवेलेबल हो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें वो चीज़ ऐसे इस्तेमाल करनी है कि वो हमारे एथलीट को कम्प्लीटली क्लियर हो, उसको सामने से दिखे कि भाई वो गोल पोस्ट को डिवाइड किया है, वो उसको दिखना चाहिए। क्योंकि जब तक उसको क्लियर नहीं हुआ तब तक ये हमारे स्किल कोई काम की नहीं है। तो बेटर है कि हम वो कुछ कलरफुल रिबिन या ऐसा कुछ इस्तेमाल करें तो उसको दूर से वो ज़्यादा क्लियर होगा।
तो आप देख सकते 6 मीटर और 9 मीटर से एथलीट को तीन तीन ट्राई देने हैं और वो पॉइंट ऑफिशियल वो काउंट करेगा कि कौन से एरिया में गई। अगर सेंटर में जाता है तो वो 2 पॉइंट नोट करेगा और लेफ्ट और राइट में जाएगा तो वो 5-5 पॉइंट नोट करेगा। नेक्स्ट पीयूष भाई, ये स्किल का मेन उसका उद्देश्य है कि वो खिलाड़ी की वो निपुणता को नापने के लिए ये किया जाता है। और आपका उपकरण आपने देखे कि हैंडबॉल टेप है, रिबिन, दोरी, वो चूना मार्कर या आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने वीडियो में देखा कि खिलाड़ी को गोल पोस्ट से 6 मीटर की दूरी पर 3 थ्रो किए जाएंगे और उसी तरह 9 मीटर पे दोनों जगह पे उसको 3-3 थ्रो करने को दिए जाएंगे। और अगर किसी खिलाड़ी की गेंद एक बार से अधिक उछलती है, मैंने अभी बताया कि अगर एक बाउंस से ज़्यादा होती है तो वो उसे गिना नहीं जाएगा, उसका स्कोर उसको नहीं मिलेगा। उसका स्कोरिंग मैंने बताया कि नेक्स्ट पीस भाई, गोल पोस्ट के 6 मीटर और 9 मीटर दोनों से वो अर्ध सर्कल हाफ सर्कल बनाया जाएगा और एथलीट को 6 मीटर से 3 गेंद और 9 मीटर से 3 गेंद डालनी है। गेंद की शूटिंग के बाद एथलीट लाइन पार कर सकता है। अगर एथलीट गेंद फेंकने से पहले अगर उसका पैर लाइन को टच हो जाता है या लाइन के बाहर आ जाता है तो वो फाउल होता है, उसका पॉइंट उसको नहीं मिलेगा। यदि एथलीट गोल पोस्ट के दाएं बाएं हिस्से में 1 मीटर के भीतर आती है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। जो हमने गोल पोस्ट के 3 एरिया डिवाइड किए थे, 3 हिस्सों में बांटा था, अगर उसके लेफ्ट या राइट दोनों में उसकी बॉल एक बाउंस या डायरेक्ट जाती है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। और जो सेंटर वाले एरिया में अगर एथलीट बॉल फेंकता है डायरेक्ट या वन बाउंस तो उसको 2 अंक मिलते हैं। यदि गेंद 2 या अधिक बार उछलती है तो उसको स्कोर नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी हैंडबॉल की इंडिविजुअल 3 स्किल, एक टारगेट पास, 10 मीटर रिबल और शूट। ये इंडिविजुअल स्किल होती है और हम घर पे, स्कूल पे, कहीं पे भी ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं और एथलीट को हम ये गेम के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं रूरल एरिया में काम करता हूँ तो वैसे यहाँ पे भी हर जगह पे हैंडबॉल का ग्राउंड नहीं होता, थोड़ा दूर होता है, तो हम पहले हमारे आसपास में जो जगह अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम ये स्किल सिखा सकते हैं। उसको ड्रिबलिंग सिखाओ, पासिंग सिखाओ, कैचिंग सिखाओ, ये शूटिंग सिखाओ, ये सिखाओ। और अगर पॉसिबल है, जब भी ग्राउंड मिलता है हफ्ते में 2 बार, 1 बार तो आप एथलीट को वहाँ ले जाके ग्राउंड से भी परिचित कराओ और वो वहाँ पे भी स्किल कराओ। तो ये हमारी 3 स्किल थी। तो पीयूष भाई, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के मन में तो। या थैंक यू सो मच पिनल भाई, जो आपने एक इंफॉर्मेशन दिया जो हमारे पार्टिसिपेशन थे उनको कि क्या क्या उनकी स्किल होती है जो हमारे स्पेशल एथलीट हैं उनके उनके लिए। आज हमारे बीच एक कोच उपस्थित हैं, मिस्टर महेश भाई परमार। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये जो सेशन हुआ पूरा उसका रिव्यू दे। मैं हेलो यस ऑडिबल ओके महेश भाई, मेरा नाम महेश परमार है और मैं स्पेशल ओलंपिक से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मुझे मेरे विचार रखने का अवसर प्रदान किया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात ने स्पेशल ओलंपिक के अलग अलग प्रोग्राम किए हैं, जिसमें यंग एथलीट लीडरशिप, यूनिफाइड स्पोर्ट्स और जैसे काफी प्रोग्राम किए हैं। अभी हमारे एथलीट को
ग्राउंड पे लेके जाके प्रैक्टिस करवा नहीं सकते, तो हमें ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिस करवानी है, ऑनलाइन कैसे ट्रेनिंग देनी है, ऑनलाइन में क्या समस्या आ रही है और उसका समाधान क्या है, वो सब जानकारी हमें यह प्रोग्राम से मिलती है। तो एक बार फिर से स्पेशल ऑनलाइन गुजरात का धन्यवाद देता हूँ। और आज हैंडबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम में पिनल सर ने जो हमें ग्राउंड मेजरमेंट और हैंडबॉल की हिस्ट्री, उसके बॉल का वेट, ग्राउंड मेजरमेंट, उसकी लंबाई चौड़ाई और 6 मीटर लाइन क्या होती है, 9 मीटर लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन क्या होती है, गोल पोस्ट की मेजरमेंट क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको जानकारी दी है। और इंडिविजुअल स्किल के बारे में, हैंडबॉल के इंडिविजुअल स्किल के बारे में पिनल सर ने हमें किस प्रकार की स्किल होती है और कितनी, वो और वो 3 स्किल बताई उन्होंने इंडिविजुअल में, टारगेट पास, शूट और 10 मीटर ड्रिबल। और इसमें क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे स्कोरिंग करना है, मेजरमेंट क्या है, कैसे करना है, इक्विपमेंट क्या है, स्कोर कैसे करना है, वो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी हमें पिनल गोस्वामी सर ने दी है। तो उनका शुक्रिया और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियोज भाई, हेलो, थैंक यू सो मच महेश भाई, जो आप बात की हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव मैसेज दिया है, जो हमारे क्वेश्चन एंड बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं विनती करता हूँ हमारे पिनल भाई कि वो क्वेश्चन आंसर दे। पिनल भाई, एक क्वेश्चन है कि एक कोच है कि आई वांट टू आस्क हैंडबॉल प्रैक्टिस इन विच टाइम, मींस कि उनका क्वेश्चन है कि ये प्रैक्टिस कब करनी है, इसके बारे में बताएंगे जरा, ये जो स्किल आपने पढ़ाई वो कब की जाती है, अच्छा, इसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। जी, जब हम एथलीट को जब हम हैंडबॉल सिखाना शुरू करते तो सबसे पहले आप एथलीट को, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी गेम सीखनी है तो पहले बॉल के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, तो आप पहले बॉल पे कंट्रोल ले लो, उसके बाद पहले आप एथलीट को नॉर्मली ऐसे ही ड्रिबल एक जगह पे खड़े लेके आप ड्रिबल सिखा सकते, उसको पासिंग या कैच करना आप आमने सामने रख के खड़ा करके सिखा सकते। तो जब वो बॉल पे कंट्रोल पा सकता है उसके बाद आप ये स्किल की प्रैक्टिस करवा सकते हो, क्योंकि अगर वो ड्रिबल ही नहीं कर पाएगा तो आप 10 मीटर ड्रिबल कैसे करवाओगे। तो पहले उसको आप स्टार्टिंग में एक जगह पे खड़े रह के उसको थोड़ा थोड़ा ड्रिबल सिखाइए, अगर वो ड्रिबल सीख जाता है तो उसको चलते चलते ड्रिबल सिखाना शुरू कीजिए, और फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भागते भागते ड्रिबल, ऐसे आप उसको थोड़ा थोड़ा सिखा के फिर आप ये स्किल पे उसको ला सकते हैं। Yeah, thank you so much. One more question. Boys और girls के जो handball होते हैं, वो एक ही होते हैं या फिर different होते हैं? पीयूष भाई, आवाज कट रही है आपकी। एक question था कि जो handball का ball होता है, handball का ball, वो male और female में कोई difference होता है? या फिर सेम रहता है? नहीं, अलग अलग होता है। मैंने जो आपके पहले स्क्रीन में जो उसका डायग्राम और वेट दिखाया था, तो दोनों हिसाब से वो अलग अलग होता है। मेल के लिए जो बॉल होता है उसका डायग्राम वो 50-60 होता है सेंटीमीटर, और उसका वेट होता है 425-475 ग्राम, और फीमेल का उसका थोड़ा कम होता है वेट, उसका वेट 325-375 ग्राम होता है, और उसका जो बॉल का जो डायग्राम होता है सेंटीमीटर वो 54-56 उड़ता है।
तो मेल और फीमेल दोनों का बॉल अलग अलग होता है. ओके थैंक यू सो मच. एंड वन मोर क्वेश्चन कि जो जो आपने शूट की स्केल बताई उसमें गोल पोस्ट की लंबाई क्या रहती है? एथलीट से गोल पोस्ट की लंबाई या गोल पोस्ट की? गोल पोस्ट की, गोल पोस्ट की लंबाई. गोल पोस्ट का एरिया जो होता है वो 2 मीटर वो डीप में होता है, मतलब 2 मीटर चौड़ा होता है और 3 मीटर लंबा होता है, 2x3 का वो होता है. जो हमने एक मीटर के 3 मीटर का था इसलिए हमने एक एक मीटर के 3 हिस्से डिवाइड किए थे, तो वो 3 मीटर वो चौड़ा था और 2 मीटर लंबा था. ओके थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन है कि ये गेम में एज ग्रुप क्या रहता है, तो मैं एज ग्रुप के बारे में बताऊं के लिए एज ग्रुप डिफरेंट रहता है और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए अलग रहता है. इसमें टीम में आप एज ग्रुप को स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो 15 से बिलो जो होते हैं वो एक एज ग्रुप, फिर 16 to 21 एंड 22 to अबव, ये हमारे टीम के लिए हमारे एज ग्रुप रहते हैं. ओके सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कि बॉल का साइज क्यों डिफरेंट रहता है, वही है उनका भी इक्वेशन. जो भी हमारे बाकी है जो क्वेश्चन उनको हम बाय ईमेल्स के तौर पर उनके आंसर दे देंगे. थैंक यू सो मच पीनल भाई, जो आपने बहुत सारे इक्वेशन का आंसर दिया. मैं एक बात पीयूष भाई एक बात आखिर में कहना चाहूंगा, जो आपने अभी जो स्किल के वीडियो देखे अगर आप दोबारा फिर से देखना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात नाम की यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं. और हमारी स्टेट ऑफिस का एक प्रयास है कि हो सके तो हम शॉर्ट टाइम में बाकी सारे गेम के भी ऐसे वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो आपको जब भी वो देखना हो तो हमारी स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात की यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो. थैंक यू पीयूष भाई. थैंक यू सो मच हमारे जो मुकेश भाई गोस्वामी है, मैं उनको विनती करता हूँ कि क्लोजिंग रिमार्क. हेलो थैंक यू पीयूष भाई, ऑडिबल? यस 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 सर. ओके थैंक यू पीयूष भाई. सबसे पहले थैंक यू ऑल कोचिस, स्पेशल एथलेट्स, फैमिली मेंबर्स, जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं वो सभी का मैं स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ये सेमिनार में सब जुड़े हैं. अगेन थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, जैसे हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है पीनल भाई गोस्वामी, उनका भी खूब खूब आभार कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडबॉल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, बॉल का मेजरमेंट क्या है, कौन सी स्किल होती है, सबके बारे में आज उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है. और उनके साथ लाइव डेमो, उन्होंने खुद जाके ये लाइव डेमो किया, उसमें भी जो हमारे पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के GND मैनेजर है मेहुल भाई, उनका एथलेट्स है तस्लीन मोदी साहब, और जो भी उनके साथ जुड़े और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया लाइव डेमो बताने का, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जिससे सबको लाइव देखने को मिला है कि कैसे होता है और कैसे किस स्किल होता है. तो अगेन सबको थैंक यू कि आपने हमको इतना अच्छा जो दिया उसके लिए हम आपके आभारी है. एंड अगेन थैंक यू स्पेशल ओलंपिक ऑल ये वेबिनार में पार्ट लिया है. अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच मुकेश भाई, जो आज हमने जो इंडिविजुअल स्किल के बारे में देखा, कल हम टीम की स्किल है उसके बारे में हम देखेंगे कि टीम के स्किल टेस्ट कौन से होते हैं. वो हमारे रिसोर्स पर्सन मनीष भाई चावड़ा
एंड मुकेश भाई गोस्वामी, वो आपको कल ऐसे ही जैसे भाई ने आज इन्फॉर्मेटिक दिया है सेशन, वैसे ही कल आपको इसके बारे में देंगे. एंड एंड ऑफ दी जो हमारा 10th 11th और 12th जब ये फिट होएगा, उसके बाद आपको आपके जो ग्रुप है उसके अंदर लिंक शेयर की जाएगी, उसमें एग्जाम होगा, देन आफ्टर आप सर्टिफिकेट वहीं से आप ले सकते हो. क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. कल यही टाइम पर 4:00 हम आपसे यहीं पर मिलेंगे. थैंक यू.